हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो गाइस, तो माई सेल्फ नीलम, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टॉप रिकमेंडेशन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। बिकॉज गाइस अभी चल रही है नायका पर हॉट पिंक सेल, एंड आई वुड से ये हॉटेस्ट पिंक सेल है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके फेवरेट ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट पर 50% तक ऑफ मिल जाता है। एंड दिस इज अ ग्रेट मोमेंट गाइस, इस मोमेंट को आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की रिकमेंडेशन पर कोई सामान खरीदना चाहते हो ना, तो आप नायका से जाकर भी परचेज कर सकते हो, बिकॉज आपको आपके फेवरेट प्रोडक्ट पर 50% तक ऑफ मिल जाता है। बिकॉज गाइज मैंने भी काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि यूट्यूबर्स के रिकमेंडेशन पर ही परचेज किए हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया है और एक दो बार ही आई थिंक यूज किया है अभी। ये सारे प्रोडक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ गाइस बेल आइकन को हिट भी कर देना, सो दैट मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा। सो यार नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सारा मेकअप मैंने सीक्वेंसली ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो सबसे पहले गाइस आज मैं जितना भी मेकअप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं गाइस, स्किन केयर को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बट आप लोग चाहते हो मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर द बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स गाइस, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगी कि बेस्ट स्किन केयर रिकमेंडेशन पर भी लेके आ सकूं। तो सबसे पहले बारी आती है गाइस प्राइमर्स की। तो मेरे पास प्राइमर के लिए यहाँ पर एक्चुअली मैं ना तीन ऑप्शन है, बट मैं दो ऑप्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि एक काफी ज्यादा अफोर्डेबल आपको मिल जाएगा और एक आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, बट अंडर 500 आपको दोनों ही प्राइमर आप अफोर्ड कर सकते हो इजिली। तो जो फर्स्ट प्राइमर है गाइस वो है मेरे पास ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर, एंड ये बहुत अच्छा वाला प्राइमर है गाइस। इसको मैंने परचेज किया था आई थिंक निधि कटियार की रिकमेंडेशन पर, एंड दिस इज वेरी 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 गुड इन क्वालिटी गाइस। एंड इसकी अगर मैं आपको टेक्सचर की बात करूँ तो आपको कुछ ये ट्रांसपेरेंट कलर में मिल जाएगा, इसमें कोई कलर इंक्लूड नहीं है गाइस, एंड ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। साथ ही साथ गाइस ऑयल फ्री रखता है आपकी स्किन को, सो दैट ऑयली स्किन वाले इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अंडर 200 आपको मिल जाता है गाइस, तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अंडर 200 आपको 30 ग्राम की पैकेजिंग मिल जाती है, सो दैट इज इनफ क्वांटिटी। सो इस प्राइस में ये जो प्राइमर है गाइस वो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और अगर मैं सेकंड प्राइमर की बात करूँ गाइस तो वो है मेबेलिन फिटमी का ये मैट प्लस पोरलेस प्राइमर गाइस, एंड ये आपको 400-500 के समथिंग कुछ मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा वाला प्राइमर है गाइस, ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है अगेन ये वाला भी, एंड मैट प्लस पोरलेस है, सो दैट आपके पोर्स को अच्छे से ब्लर कर देता है। इसकी अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये कुछ इस टाइप से है, आई थिंक यू कैन सी गाइस। ये जो प्राइमर है ये है इनसाइड का, जो कि मैट फाइन लुक आपको दे देगा, स्लीकनी बेस है इसका, एंड यू कैन सी गाइस थोड़ा सा मैट फाइन लुक आपको प्रोवाइड करा देगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है या टेक्सचर आपकी स्किन पर, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट वाला प्राइमर है ये इनसाइड का, जो कि काफी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे मेबेलिन के इस फिटमी प्राइमर की, तो ये थोड़ा सा आपको क्रीम कंसिस्टेंसी में मिल जाता है, सो दैट ये आपके स्किन को काफी अच्छे से सूद करेगा, सॉफ्ट करेगा, एंड साथ ही आपके पोर्स को भी मिनिमाइज कर देगा। सो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा वाला प्राइमर है गाइज, बट ये जो 3-in-1 प्राइमर है इनसाइड का ये ऑयली स्किन के लिए एकदम सूटेबल है। अगर आपका बजट कम है गाइज तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, अंडर 200 आपको काफी अच्छा प्राइमर मिल जाएगा, बट अगर आप 500 तक का बजट रखते हो तो दिस प्राइमर इज गुड ऑप्शन फॉर यू, एंड दोनों ही प्राइमर मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट आई विल रिकमेंडेड टू गुड क्वालिटी फाउंडेशन टू यू गाइज, मेबेलिन फिटमी का ये फाउंडेशन, और इसमें जो मेरा शेड है गाइज वो है 230 विद क्ले, एंड मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है गाइज, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट सूटेबल है। इसमें आपको 20 SPF 20 मिल जाता है। इसके रिव्यूज अगर आपको चेक करने हैं गाइस तो मैं ऑलरेडी इसकी वीडियोस मेरे चैनल पर डाल चुकी हूँ काफी बार, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। एंड इसकी अगर मैं शेड की बात करूँ ना गाइस, तो ओ माय गॉड इसका जो शेड है ना परफेक्ट शेड है गाइस, एंड अगर मीडियम स्किन टोन है आपका तो 230 शेड इज परफेक्ट फॉर यू गाइस, एंड यू कैन सी गाइस इसका जो कलर है वो परफेक्टली मैच करता है मेरी स्किन को।
ये फाउंडेशन थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, बट अगर आप महंगा वाला अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप ये मिनिएचर पैकिंग की तरफ जा सकते हो गाइस, जो कि है 18 ml की, और 18 ml फाउंडेशन आपको इजीली 250 के समथिंग मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है गाइस वो है मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये वाटरप्रूफ हाई कवरेज फाउंडेशन, एंड ये यू कैन सी गाइस काफी बड़ी पैकिंग है इसकी, जो कि आपको 250 के आसपास ही मिल जाएगा इजीली। कुछ इस टाइप की आपको इनर पैकेजिंग मिल जाती है गाइस, कुछ ग्लास की बोतल है इसकी, तो मैं इसको ट्रैवल फ्रेंडली तो नहीं बोलूंगी, बट इसका जो पंप वाला बोतल है गाइस वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एंड इसमें जो मेरा शेड है गाइस वो है 03 नेचुरल बेस, बट ये मेरी स्किन को थोड़ा सा लाइट जाता है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन गाइस कि आप जैसे जैसे इसको अपने स्किन पर अप्लाई करोगे एंड ब्लेंड करोगे ना, ये काफी हद तक ऑक्सीडाइज हो जाएगी आपके स्किन पर और बिल्कुल नेचुरल लुक आपको प्रोवाइड करा देगी। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन, एंड ये दोनों ही फाउंडेशन गाइस हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। इन दोनों का ही रिव्यू जो है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है वीडियोस, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगेन सी गाइस, ये है मेरा फिटमी का फाउंडेशन जो कि परफेक्टली मैच करता है मुझे मेरी स्किन पर, बिल्कुल नेचुरल वाली फिनिश मुझे इसमें मिल जाती है। और ये है मेरा स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन गाइस, जो कि अभी आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, बट ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली स्किन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, सो दैट इससे भी काफी अच्छा वाला एंड नेचुरल सा लुक क्रिएट होता है। अच्छा, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ ना, तो दोनों ही फाउंडेशन मैंने 250 में ही परचेज किए हैं, बट ये जो फिटमी का फाउंडेशन है ये 250 में मुझे 18 ml मिला है, जबकि स्विस ब्यूटी का जो फाउंडेशन है वो 250 में मुझे 60 ml मिला है। 60 ml अपने आप में बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है गाइस, इसको आप काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। बट अगर मैं इसकी बात करूँ ना गाइस, तो इसका शेड एंड इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से ये दोनों फाउंडेशन। ओके, तो कंसीडर के लिए अगेन गाइस मेरे पास दो रिकमेंडेशन है सेम, एक आपको अंडर 500 इजीली मिल जाएगा और एक काफी ज्यादा अफोर्डेबल मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफोर्डेबल वाला कंसीलर गाइस। तो अफोर्डेबल कंसीलर में मेरे पास अवेलेबल है ये ब्लू हेवन का कंसीलर, इसमें जो मेरा शेड है वो है हनी, एंड जो ये हनी शेड है गाइस ये मीडियम स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट सूटेबल है। एंड जो इसका सबसे लाइटेस्ट शेड है आई थिंक वो है वनीला, एंड जो डार्केस्ट शेड है गाइस वो है चॉकलेट, एंड ऑफकोर्स चॉकलेट शेड को आप एज अ कॉन्टोर भी यूज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर हनी शेड परचेस किया था, एंड ये काफी अच्छा कंसीलर है गाइस, हाई कवरेज में आपको मिल जाएगा, फुल कवरेज में आपको मिल जाएगा। अगेन गाइस ये वाटरप्रूफ कंसीलर है, यू कैन सी गाइस एकदम परफेक्टली शूट करता है, बहुत प्यारा वाला शेड है। सो अगर आपका स्किन टोन मीडियम है या मेरे जैसा है गाइस, तो यू कैन गो फॉर दिस शेड, दिस इज शेड नेम हनी, एंड ये काफी अच्छा वाला शेड है। ओके, तो नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है गाइस मेरे पास वो है मेवलिंग फिटमी का ये कंसीलर, एंड इसमें जो मेरा शेड है गाइस वो है शेड नंबर 20 सेंट, एंड इसका तो आप सभी को पता है गाइस कि ये जो कंसीलर है ये भी फुल कवरेज है एंड काफी अच्छा है, बट इसमें जो मेरा शेड है गाइस वो थोड़ा सा लाइट है, बट अभी मुझे थोड़ी पिगमेंटेशन है मेरे फेस पर गाइस, मेरा जो स्किन टोन है वो काफी चेंज हो चुका है पहले से, सो दैट मैंने अभी ये वाला कंसीलर परचेस किया है, बट मैं इसको भी यूज कर लेती हूँ मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब मुझे थोड़ा सा ब्राइट लुक चाहिए होता है तो मैं यूज करती हूँ मेबलिन का ये वाला कंसीलर, इससे मुझे थोड़े से हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं, और अगर मुझे थोड़ा सा नॉर्मल एंड कैजुअल लुक क्रिएट करना होता है तो मैं जाती हूँ ब्लू हेवन के इस कंसीलर के लिए। तो बोथ कंसीलर आर हाईली रिकमेंडेड मेरी तरफ से गाइस, एंड ये जो मेबलिन का कंसीलर है गाइस इसको भी मैंने आई थिंक निधि कटियार के ही रिकमेंडेशन पर परचेस किया था, एंड ये कंसीलर बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो दोनों कंसीलर की तरफ आप जा सकते हो गाइस, दोनों ही काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ये कंसीलर आपको 150 की रेंज में मिल जाएगा इजीली गाइस, और ये जो कंसीलर है ये आपको अंडर 500 इजीली मिल जाता है, तो दोनों ही कंसीलर काफी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसके बाद में चलते हैं हमारे कॉन्टोर की साइड गाइस। तो कॉन्टोर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी शुगर की ये कॉन्टोर डिफोर्स फेस पैलेट गाइस इन दी शेड 02, इसमें जो मेरा शेड है वो 02 है गाइस, एंड इसको मैंने परचेज किया था शिवानी तनेजा के रिकमेंडेशन पर गाइस, एंड 3-in-1 पैलेट है गाइस, मैं आपको कॉन्टोर हाइलाइटर एंड ब्लश तीनों ही मिल जाते हैं, एंड इनका जो शेड है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला शेड है गाइस, एंड आपने मेरी मैक्सिमम वीडियोज में देखा होगा इसको मुझे यूज करते हुए, एंड ये जो पैलेट है ये गाइस मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैलेट है। सो दीज आर 3 शेड्स गाइज, यू कैन सी तीनों ही शेड काफी ज्यादा प्रिटी है।
समटाइम गाइज मुझे कुछ सटल सा मेकअप लुक क्रिएट करना होता है, कुछ यू नो लाइट सा करना होता है, तो मैं हमेशा यही वाला पैलेट यूज करती हूँ। मुझे बहुत हेल्प करता है एक सटल मेकअप लुक देने में। एंड इसका जो कॉन्टोर शेड है ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। एंड इसका जो ब्लश है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इसका जो हाइलाइटर है वो हाईली पिगमेंटेड है गाइज। अगर आपको तीनों चीजें एक ही पैलेट में चाहिए तो दिस पैलेट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइज। बट जिन लोगों को अलग अलग चाहिए, यानी कि हाइलाइटर की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्लश चाहिए, तो उन लोगों के लिए गाइज मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये ब्लश गाइज, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। एंड अगर मैं स्विस ब्यूटी ब्रांड की बात करूँ ना, तो मेरी पर्सनली फेवरेट ब्रांड है गाइज। एंड इसके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। अंडर 500 तो बहुत बड़ी बात हो गई गाइज। आप अंडर 300 में आप स्विस ब्यूटी जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। एंड इस ब्रांड ने गाइज काफी बड़ी बड़ी ब्रांड को भी फेल कर दिया है। सो दिस इज द ब्लश गाइज। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है एप्रिकोट पीच। एंड दिस ब्लश इज हाईली पिगमेंटेड गाइज। एंड इसमें आपको हाइलाइटर शेड भी मिल जाता है गाइज, सो दैट अगर आप ये ब्लश अप्लाई करते हो तो आपको अलग से हाइलाइटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड एंड ग्लिटरी टाइप के ब्लश है। एंड यू कैन सी गाइज इसका जो शेड है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। सो ये जो प्रोडक्ट है गाइज ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। एंड फर्स्ट टाइम मैंने इसको परचेस किया था और आई थिंक मैं इसको एक वीडियो में अभी तक अप्लाई किया है, और यू कैन चेक आउट दिस वीडियो गाइज। बहुत ही ज्यादा सिंपल सोबर सा लुक आपको मिल जाएगा। एंड अगर मैं हाइलाइटर की बात करूं गाइज, तो अगेन हाइलाइटर के लिए मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर। बिकॉज गाइज स्विस ब्यूटी एक ऐसी ब्रांड है जिसमें आपको 250 या 300 तक काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा स्विस ब्यूटी ब्रांड के ही प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को। सो कुछ इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है। एंड इसमें जो मेरा हाइलाइटर शेड है वो आप देख सकते हो गाइज, इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 05। एंड ये जो हाइलाइटर है ये अगेन गाइज काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। यू कैन सी ये थोड़ा सा आपको ब्राउन लुक में मिल जाएगा। एंड जो मेरा शुगर वाला जो हाइलाइटर था वो थोड़ा सा मुझे गोल्ड प्लस सिल्वर फिनिश में मिल गया था, सो दैट मैंने इस स्विस ब्यूटी में ये हल्का सा यू नो कॉपर फिनिश में, ब्राउन फिनिश में मैंने हाइलाइटर को परचेस किया है। बोथ हाइलाइटर एंड बोथ पैलेट आर हाईली रिकमेंडेड गाइज। बट अगर आपको सिंगल पीस में आपको मेकअप चाहिए, जैसे कि आपको सिंगल पीस में ब्लश चाहिए, सिंगल पीस में आपको हाइलाइटर चाहिए, तो ये जो दो प्रोडक्ट है ना स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर और ये ब्लश, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। दोनों आपको अंडर 250 मिल जाएंगे गाइज एंड बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। ओके गाइज, सो हमारा पेज डन हो गया है और अभी बात करते हैं मेकअप को सेट करने की। तो उसके लिए गाइज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है फिटमी का ये कॉम्पैक्ट। एक्चुअली मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शन थे, बट उन सारे ऑप्शंस में ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइज। ये है फिटमी का, मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड काफी सारे शेड आपको इसमें मिल जाएंगे गाइज, बट इसमें जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 02। एंड ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा प्रिटी है। एंड अगर आप इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करोगे तो आपको काफी सटल सा बेस प्रोवाइड कर देगा। एंड इसको भी मैंने परचेस किया था गाइज निधि कटियार के ही रिकमेंडेशन पर। एंड निधि कटियार इज माई पर्सनली लविंग यूट्यूबर गाइज, एंड उनकी रिकमेंडेशन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सो दैट उनकी रिकमेंडेशन पर मैंने मेबलिन के मोस्टली प्रोडक्ट्स परचेस किए थे, लाइक यू नो फाउंडेशन हुआ, कंसीलर हुआ, एंड ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट हुआ। काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने उनकी रिकमेंडेशन पर परचेस किए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर आई शेडो गाइज। तो आई शेडो के लिए मेरे पास है स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट गाइज, और इसमें जो मेरा शेड है शेड नंबर 06। अगर आपको न्यूट आई लुक चाहिए गाइज, तो 06 जो आई शेडो पैलेट है गाइज वो परफेक्टली शूट करेगी आपको, बिकॉज इसमें आपको सारे न्यूट शेड मिल जाते हैं। एंड अगर मैं इसकी पिगमेंटेशन की बात करूँ ना, तो हाईली पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है ये गाइज। एंड इसमें आपको सारे के सारे शेड मिल जाते हैं। एंड आईब्रो फिलिंग के लिए भी आपको अलग से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ, यू कैन सी गाइज बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है। अंडर 250 आपको मिल जाएगी, काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली आई शेडो पैलेट है गाइज। इसमें आपको आईब्रो के लिए भी शेड मिल जाता है स्मोकी शेड, जो कि काफी ज्यादा परफेक्ट है। यू कैन सी गाइज
ये आई शेडो पैलेट मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। एंड इसके बाद में गाइज आपको निका के भी आई शेडो पैलेट हाईली पिगमेंटेड मिल जाएंगे, हुडा ब्यूटी के भी आई शेडो पैलेट आपको हाईली पिगमेंटेड मिल जाएंगे और सेम इसी रेंज में आपको मिल जाएंगे, बट मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है उन्हें यूज करते हुए, सो आई वुड से गाइज कि वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप उनको परचेस करना चाहो। बट अगर आपको नहीं करना है तो दिस आई शेडो पैलेट इज बेस्ट फॉर यू। एंड अब आई शेडो लगा लिए गाइज तो मस्कारा लगाना तो बनता ही है, तो मस्कारा के लिए मेरे पास बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। मेरे पास है मेबलिंग न्यूयॉर्क का ये हाइपर कर्ल मस्कारा, एंड ये जो मस्कारा है गाइज ये काफी अच्छा है। मैंने अभी यही वाला मस्कारा अप्लाई किया है मेरे आई लैशेस पर, एंड यू कैन सी गाइज मैंने कोई फॉल्सीज अप्लाई नहीं किए हैं। ये मस्कारा आपकी आई लैसेस को इमीजिएटली बिगर दिखाता है गाइज, आपके आई लैसेस को कर्ल कर देता है, एंड यू कैन सी काफी ज्यादा इंटेंस शो करता है आपके आई लैसेस को। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइज, एंड 200 या 250 में आपको इजिली मिल जाएगा। एंड ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड एंड जेट ब्लैक कलर का मस्कारा है, एंड वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है गाइज, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट गाइज, हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। ओके सो दैट्स अ मोमेंट गाइज कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट लिपस्टिक शेयर कर सकूं। एंड मेरे पास लिपस्टिक के लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है गाइज, और चारों ही बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। एंड इसमें गाइज आपको काफी अच्छी रेंज मिल जाएगी जो कि 80 रुपए से स्टार्ट है गाइज, और आप इजीली 250-300 रुपए तक इसको परचेस कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर तीन ब्रांड की लिपस्टिक है गाइज, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइज ब्लू हेवन के ये दो लिपस्टिक, ब्लू हेवन हाइपर कर्ल गाइज, एंड ये आपको इजिली 80 रुपए तक मिल जाता है, अंडर 100 आपको इजिली मिल जाएगा गाइज। एंड ये जो शेड है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। इसमें जो मेरा शेड है गाइज वो है शेड नंबर 11 एंड शेड नंबर 12। ओके तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शेड नंबर 11 गाइज, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी शेड है, एंड ये मेरा पर्सनली फेवरेट शेड है गाइज। एंड अगर आप लोग टीनेजर हो ना तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शेड गाइज। इस शेड का नेम है जिंजर शेड है गाइज, एंड ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट शेड है। सो दिस शेड इज माई पर्सनली फेवरेट गाइज। नाउ बात करते हैं शेड नंबर 12 की, तो ये जो शेड नंबर 12 है गाइज इसका नेम है कॉफी शेड आई थिंक, एंड ये जो शेड है गाइज ये भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी शेड है। यू कैन सी टीनेजर्स के लिए दोनों ही कलर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं गाइज, दोनों ही शेड आपको न्यूड कैटेगरी में मिल जाते हैं, एंड डेली यूज के लिए गाइज एकदम परफेक्ट वाले शेड हैं, एंड लॉन्ग लास्टिंग है ऑफ कोर्स, मैट लिप शेड है, एंड बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते आपके लिप्स को। नेक्स्ट जो लिप शेड है गाइज वो है मेबलिंग न्यूयॉर्क का ये सेंसेशनल लिक्विड मैट लिप शेड गाइज, और इसको मैंने परचेज किया था ऑफकोर्स शिवानी तनेजा की रिकमेंडेशन पर गाइज। एंड ये जो लिप शेड है गाइज ये अगेन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड ये कुछ यू नो जो ब्लू हेवन का मेरा शेड है उसी से मैच करता है, एंड ये जो शेड है ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। यू कैन सी ये कुछ गाइज मेरा जो ब्लू हेवन का शेड है उससे मैच करता है, बट दोनों की ही कंसिस्टेंसी में काफी ज्यादा डिफरेंस है गाइज। जो ब्लू हेवन की लिप शेड है वो आपको थोड़े से वॉटरी कंसिस्टेंसी में मिल जाते हैं, सो दैट आपको इन्हें दो कोड में अप्लाई करना होता है तब जाकर ये आपके लिप्स को ठीक से कवर कर पाते हैं, वरना आपके जो इनर लिप्स की स्किन है ना वो नजर आती है। बट जो ये मेबलिंग का लिप शेड है गाइज ये आपको वन स्ट्रोक में ही काफी अच्छा सा यू नो पिगमेंटेशन दे देगा आपके लिप्स पर। ये जो लिप शेड है गाइज मेबलिंग का ये काफी अच्छा लिप शेड है, बट आई वुड से गाइज की बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एंड ये धीरे धीरे ना फेड होना स्टार्ट हो जाता है। बट स्टिल गाइज ये आपके लिप्स को काफी ज्यादा सॉफ्ट रखता है, यू नो बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होने देता है आपके लिप्स को। ओके तो नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है गाइज वो उन लोगों के लिए है जो कि मैट लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें बुलेट लिपस्टिक पसंद होती है, तो उनके लिए मेरे पास है लोटस हर्बल की लिपस्टिक गाइज, जो कि काफी ज्यादा क्रीमी टेक्सचर में लिपस्टिक है। यू कैन सी गाइज इसका जो शेड है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, न्यूड पिंक लाइक अ शेड है इसका गाइज, एंड ये आपको थोड़ा सा यू नो क्रीमी टेक्सचर में मिल जाएगा, सो दैट आप इसको एज अ लिप बाम या रेगुलर बेस पर भी यूज कर सकते हो। काफी अच्छा शेड है गाइज, काफी लाइट सा शेड है इसका, बट ये जो लिप शेड है ये काफी जल्दी निकल जाता है, हर 2 घंटे में हर 3 घंटे में आपको इसे बार बार
यू नो रीअप्लाई करना पड़ेगा आपके लिप्स पर। बट गाइज जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छे से मॉइस्चराइज करती है मेरे लिप्स को, साथ ही गाइज बिल्कुल न्यूड सा एंड नेचुरल सा पिंकिश कलर मुझे इससे मिल जाता है। सो दैट ये लिपस्टिक मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सो ये चारों ही लिपस्टिक गाइज आपको अंडर 250 इजीली मिल जाएंगी एंड ये चारों ही लिपस्टिक बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओके सो हमारा फुल फेस एंड मेकअप डन हो गया है और लाइट भी चली गई है। अभी मैं आपसे बात करती हूँ मेकअप फिक्सर की। तो मेकअप फिक्सर के लिए गाइज मेरे पास ऑप्शन है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अगेन स्विस ब्यूटी गाइज, बिकॉज मैं क्या करूँ यार, मुझे स्विस ब्यूटी ब्रांड है ही बहुत ज्यादा पसंद एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका है कि ये काफी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। एंड ये जो स्विस ब्यूटी का जो ये मेकअप फिक्सर है गाइज, ये काफी अच्छा वर्क करता है आपके मेकअप पर। एंड इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो आपको महंगे महंगे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके कंपैरिजन में ही मिल जाएगा। सो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी आपसे बहुत ज्यादा महंगे वाले मेकअप फिक्सर लो, अगर आपको स्विस ब्यूटी का ये इतना अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर मिल रहा है गाइस। सिर्फ एक ये छोटू सा ही मेकअप फिक्सर आपके मेकअप को फिक्स करने के लिए इनफ है गाइस। सो दैट मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा महंगे महंगे मेकअप फिक्सर में इन्वेस्ट करो गाइस। बट इसकी जो स्मेल है ना गाइस, वो थोड़ी सी एल्कोहल टाइप की है, दैट पार्ट मुझे इसका बिल्कुल पसंद नहीं आता है, एल्कोहल वाली स्मेल आई डोंट लाइक गाइस। अदरवाइज ये जो मेकअप फिक्सर है वो बहुत बहुत ही अच्छा है। सो गाइस ये थी मेरी मेकअप रिकमेंडेशन, आई होप आपको मेरी रिकमेंडेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं गाइस, सारे के सारे काफी ज्यादा रीजनेबल हैं एंड अंडर बजट है गाइस, जो कि आप नायका पिंक हॉट पिंक सेल से परचेज कर सकते हो। आपको और भी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में ये मिल जाएंगे बिकॉज गाइस नायका पर सेल चल रही है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।